कसौली विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के कुछ सदस्यों के नाम पार्टी विरोधी कार्य करने के लिए हाईकमान को भेजे गए थे। जिनके नाम भाजपा हाईकमान को भेजे गए थे, उन सभी कार्यकर्ताओं ने सोलन में पूर्व विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल कंबोज की अगुवाई में पत्रकार वार्ता कर विधायक व भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव सहजल पर अनेक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक ने बिना किसी तथ्यों के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर दोषारोपण किया है, जिसका खामियाजा सहगल को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम से पहले ही विधायक अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और वे अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारा दोष कार्यकर्ताओं पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं के साथ षड्यंत्र रचा गया है, वे सभी जल्द ही कोर्ट में क्रिमिनल डेफर्मेशन की कार्रवाई अमल में लाएंगे व मानहानि का दावा भी ठोकेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि चुनाव परिणामों में ये साबित हो जाएगा कि चुनाव विरोधी कार्य किसने किया है। उन्होंने कहा कि जिन जिन सदस्यों के नाम पार्टी विरोधी कार्य करने के लिए हाईकमान को भेजे गए हैं, उन सभी के बूथों से पार्टी लीड करेगी। हमारे मेरे पर और मेरे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, हम पर ये मिथ्या आरोप लगाकर विधायक जी अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं। लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसे रिजल्ट बता देंगे कि हमने पार्टी विरोधी काम किया कि उनके पक्ष में काम किया। पार्टी के खिलाफ काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2006 में राजीव सहजल जी जब मात्र भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, हम उन्हें विधायकी के लिए तैयार कर रहे थे, उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया था, जबकि हमने उन्हें जिला में चिकित्सक प्रकोष्ठ का पदाधिकारी भी बनाया था। 18 तारीख के रिजल्ट आने से पहले मंडल द्वारा यह कार्रवाई करना इनकी बुकलाहट को दर्शा रहा है और यह सिंपल दर्शा रहा है कि यह सब पदाधिकारी जो कुछ हमारे मंडल के हैं, अपनी खाल बचाने के लिए ये जो है षड्यंत्र हमारे खिलाफ रच रहे हैं और अपनी कार्रवाइयों को, अपनी कारगुजारियों को हमारे ऊपर दोषारोपित कर रहे हैं। और 18 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, सभी आंकड़े जो हैं, दूध का दूध, दूध का पानी करेंगे।